अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ विद मी चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खीर। ये जितनी टेस्टी होती है उतनी ही ये न्यूट्रिशियस होती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम हमने साबूदाना लिया था, और ये एक कप, ये इस वाले कप से, ये मेजरिंग वाला जो कप होता है ये हाफ़ कप है, ये हमारा फुल था। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद में तकरीबन एक घंटे के लिए इसको खुले पानी में हमने सोक कर दिया। अब ये एक घंटे से सोक था, अब इसका हमने पानी निकाल दिया है खीर बनाने के लिए। अब ये बिल्कुल तैयार है। 100 ग्राम ही हमने यहाँ पर शुगर ले ली है, साथ ही हमने एक पिंच केसर के धागे ले लिए हैं, हाफ टी स्पून हमने यह छोटी इलायची का पाउडर ले लिया है, 1 टेबल स्पून हमने यह पिस्ता लिया है, इसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, तकरीबन 15 हमने बादाम लिए थे इसको बारीक कट कर लिए हैं, 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ चिरौंजी ले ली है, तकरीबन 15 से 20 हमने यहाँ पर काजू ले लिए थे इसको हमने मोटा मोटा ही कट कर लिया है। और साबूदाने की खीर बनाने के लिए हमें 1 लीटर दूध की ज़रूरत होगी, तो वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध में हमारे उबाल आने लगा है, ये हमने 1 लीटर दूध लिया है, और ये फुल फेट होना चाहिए, यानी जो दूध है हमारा टोन वाला नहीं होना चाहिए, ये फुल फेट दूध में बहुत अच्छी बनती है। तो दूध में उबाल आने लगा है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे साबूदाना जो कि हमने सोख करके रखा था। अब इसको अच्छे से चम्मच चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि इसमें दोबारा से बॉईल ना आ जाए, क्योंकि साबूदाने को कभी कभी डालने से क्या होता है कि दूध फट भी जाता है। तो इसमें हम चम्मच तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें दोबारा से उबाल आने न लगे। दूध में हमारे उबाल आने लगा है दोबारा से, तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि खीर हमारी गाढ़ी भी हो जाए और साबूदाना हमारा टेंडर भी हो जाए। अच्छी तरीके से खीर का जो है टेक्सचर होता है वही टेक्सचर हो जाना चाहिए, और साथ ही साबूदाना हमारा टेंडर भी हो जाना चाहिए। ये साबूदाना मैंने मोटा वाला लिया है, एक मार्केट में बारीक वाला भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं, उसकी भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे केसर के धागे, ताकि इसका कलर इसके अंदर अच्छे से आ जाए। तो गैस का फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम में बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इसको पका लेंगे। साबूदाने की खीर को बनते हुए 15 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर, और अब आप देख सकते हैं कि दूध हमारा काफ़ी रिड्यूस हो गया है, और ये काफ़ी थिक भी हो गया है, ये देखिए, और साबूदाना हमारा टेंडर हो गया है, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, ये देखिए, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, बिल्कुल टेंडर हो गया है। तो इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे शुगर, और चम्मच चलाते हुए शुगर को ऐड करेंगे। शुगर मैं थोड़ी सी बचा दूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, हमारे यहाँ पे मीठा थोड़ा कम खाया जाता है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर जो हमने बताया था आपको, साथ ही हम ऐड कर देंगे काजू और बादाम, काजू बादाम यहाँ पर ऐड कर लेंगे हम। अगर आपके पास में हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ये खीर बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। और पिस्ते को हम बहुत बाद में डालेंगे, मतलब गार्निश में यूज़ करेंगे। अब इसे हम 10 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि चीनी का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे इसे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि खीर हमारी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। हमारी खीर को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, और खीर हमारी बहुत अच्छी तरीके से पककर तैयार हो गई है। अब इसको हम बंद कर देंगे, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद में कर लेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार हमारे साबूदाने की खीर बनकर तैयार है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल रेसिपीज़ विद मी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।